मार्च हो चुका है तो उसके नीचे भी काफी लोग आ चुके हैं। बंदे जो है ना तकरीबन 100 से ज्यादा है, हमने तकरीबन 65 किसान जो है लेकर किए जख्मी हालत में। पाकिस्तान ना खैबर पख्तूनख्वा सूबानी राजधानी पेशावर ने पुलिस लाइन की मस्जिद में थे विस्फोट में मृत्यु आंक वधी ने 90 थयो छे। 150 जेटला लोग घायल थया छे। हजी पण 57 लोग हॉस्पिटल में सारवार लई रह्या छे। मस्जिद की इमारत ने पण भयंकर नुकसान थयो छे। मृतकों में मोटा भागना पुलिस कर्मचारी था। तेओ ज्यारे सोमवारे बपोरे जोहर की नमाज अदा कर रहा था त्यारे आ विस्फोट थयो। शुरुआत में पाकिस्तान तालिबान एक कमांडरे आ विस्फोट की जवाबदारी ली थी, परंतु बाद में पाकिस्तान तालिबान संगठने तेनो हाथ होवानो इनकार कर दीधो। पेशावरनी पुलिस ना जणाव्या अनुसार विस्फोट एटलो मोटो हतो कि मस्जिद नो एक भाग धराशायी थई गयो। तेनी सामे रहेली कैंटीन ने पण भयंकर नुकसान थयु छे। आ घटना ने नजरे जोनारा कहे छे कि जे समय विस्फोट थयो ते समय मोटो अवाज आव्यो, ते समय माहौल डरावनो हतो। विस्फोट ने कारणे आसपासनी इमारतो पण हाली गई हती, चारे तरफ चीसो संभळाती हती, सैकड़ों लोग जख्मी हता। हम मैम अपनी शॉप पे था, दुकान पे तो इतला आई कि धमाके की इतला, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे पहले ही पहुंचे, 11:22 की पहुंच चुकी थी गालिबन। तो हमने तकरीबन 7 अफराद जो जख्मी हालत में थे, ऐसे जख्मी थे कि बहुत ज़्यादा खराब थे, उनको ले गए हम अस्पताल, लेकिन अंदर की हालत बहुत ज़्यादा वो है क्योंकि मस्जिद के जो अगले हिस्सा है वो तकरीबन डिमार्च हो चुका है। बंदे जो है ना तकरीबन 100 से ज़्यादा है, हमने तकरीबन 65 किसान जो है लेकर किए जख्मी हालत में, इसकी हालत बहुत तकलीफ है और बाकी जो है अभी काम शुरू है। जो पुलिस लाइन की मस्जिद में विस्फोट हो ये हाई सिक्योरिटी जोन है, पुलिस अधिकारी और प्रशासन ना कार्यालय तथा तेमना अधिकारियों ना आवास आवेला छे। महत्वनी बात ये छे के पुलिस लाइन पेशावर ना महत्वपूर्ण हाईवे साइबर रोड पर छे अने तेनाथी जोड़ायेलो मार्ग मुख्यमंत्री अने गवर्नर ना निवास स्थान सुधी जाय छे। तेनी बीजी बाजू सिविल सेक्रेटेरिएट आवेलुं छे। पुलिस लाइन नी पाछळ सेंट्रल जेल पण छे। अहीं आवनारा तमाम नी तलाशी लेवामां आवे छे अने आ जग्याए पुलिस नी नाकाबंदी पण छे। साइबर रोड पर ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स अने हाईकोर्ट नुं बिल्डिंग आवेलुं छे। તેની સામે કોર કમાન્ડર હાઉસ અને સરિયા હોટલ છે। આ એ સપ્તાહ છે જ્યારે પાકિસ્તાનમાં મહત્વના આંતરરાષ્ટ્રીય મહેમાનો આવવાના છે। સોમવારે યુએઈના પ્રમુખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ આવવાના હતા, જોકે તેમની મુલાકાત ખરાબ વાતાવરણને કારણે રદ થઈ ગઈ। મંગળવારે IMF એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય મોનેટરી ફંડનું એક પ્રતિનિધિમંડળ પણ મુલાકાતે છે, કારણ કે પાકિસ્તાન ભયંકર આર્થિક તંગીનો સામનો કરી રહ્યું છે અને તેને IMFની સહાયની જરૂર છે। પાછલા માર્ચ મહિનામાં પણ પેશાવરની એક શિયા મસ્જિદમાં થયેલા વિસ્ફોટમાં 56 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 190 લોકો ઘાયલ થયા હતા। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।